हेलो गाइस, वेलकम टू रोटेशन प्लस। सो गाइस, आज आपने वीडियो का थंबनेल टाइटल दोनों देख लिया है यार। एक बुक की रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू देखेंगे कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, और उसके बाद किसी एक लकी को ये बुक मिल जाएगी। बुक का नाम एनसीईआरटी गियर अप, नाम सुना होगा, एम फॉर एम्स पब्लिकेशन का है, ठीक है, एल्टिस वॉटिक्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। सो गाइस, हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, बताएंगे कि इस बुक के सैलिएंट फीचर क्या है, एंड न्यूट्रल साइड पे होके बताएंगे, ना ज़्यादा तारीफ ना बुराई, ठीक है। देखेंगे क्या है क्या नहीं इस बुक के अंदर, इस पावर पैक बुक के अंदर, कि ये कैसे आपको नीट में मदद कर सकता है या आपको एम्स में मदद कर सकता है, जल्दी चेक करेंगे। तो सबसे पहले यार हम उस बुक की फीचर देख लेते हैं, आप भी देख लो जल्दी से, क्या क्या दिखाओ। सो गाइज, हमारे सामने एनसीईआरटी गियर अप है, तो चलिए अब हम जल्दी से एक और बार देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट 11 12 दोनों की एक ही में है। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी प्राइस। देखिए यार, ये स्पेसिमेन कॉपी नहीं है, मैं इसका गिव अवे कर, मतलब स्पेसिमेन कॉपी है, सॉरी स्पेसिमेन कॉपी है, सेल के लिए नहीं थी, मेरे पास आया, मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज, आप गिव अवे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, इफ यू वांट दिस बुक इट्स ओके, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखा था थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए, कितने चैप्टर है, टोटल 31 है इसमें। इसकी प्राइस कितनी है वैसे मार्केट में, इधर लिखा है, प्राइस लिखी है 650, दिख रहा है 650 लिखी है, फाइन, लेकिन आपको अमेजोन पे या आपको फ्लिपकार्ट पे बहुत कम में मिल जाएगी। सो गाइज डोंट वरी, पहले देख लेते हैं खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए या किसको खरीदनी चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम। आइए, अब मैं बात करता हूँ, इधर क्रिटिकल पॉइंट दिया, सबसे पहले चैप्टर जीरो मैथमेटिकल टूल्स, इसमें अलजेब्रा के फॉर्मूला, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सब जगह रहते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी दिए हैं आपको, देख सकते हो आप, ये सब के लिए भी फाइन। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, यस, आपको ग्राफ के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, पहला चैप्टर, इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो सामने लिखा था उसमें लिखा हुआ है, लाइक देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स मे बी जीरो बट द कोरिस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो, फाइन। ऐसे ऐसे करके गाइज बहुत कुछ लिखा है। इधर एक प्ले विथ ग्राफ बोल के सेक्शन है, जो ग्राफ से रिलेटेड जिन बच्चों को डाउट रहता है, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, तो आप समझ सकते हो, फाइन, ओके। देन क्या इसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या फायदा है ना, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के पहले आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फॉर्मूले, उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, फाइन। उसके बाद वापस आप देखो, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, लाइक डिस्टेंस के लिए एक क्वेश्चन है भाई, उसके बाद स्पीड वेलोसिटी वाले के लिए अलग क्वेश्चन है, उसमें पहले फॉर्मूला लिख दिया, जिससे कि आप एक बार फॉर्मूला का क्विक रिकैप कर लो और क्वेश्चन बना लो, फाइन। चलो भाई, ये तो हो गई बात, अब क्या बात है, अब बात आ गई, देखते हैं और क्या। हायर ऑर्डर क्वेश्चन बोल के भी एक सेक्शन है गाई, दिख रहा होगा हायर ऑर्डर क्वेश्चन, इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, लाइक दैट ऑफ डीसी पांडे का लेवल टू, फाइन, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या, इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी है और असर्शन रीजन भी है, फाइन। तो अगर असर्शन रीजन है तो एम्स में भी आपको थोड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि दिस बुक इज एंटायरली आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ड, आपको एंसर की दी जाती है एंड देन द एक्सप्लेनेशंस आर ओवर देयर, ओके फाइन, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे खासे जैसे इलाबोरेटेड ही है मेरे को तो जहां तक लग रहे हैं। अब देखो, जैसे कि अगर मैं हायर ऑर्डर के दिखाऊं तो लाइक 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सबके ही दिए हैं ना, 13 तक पूरे तो दिए हैं मेरे को जहां तक लग रहा है। गाइज, दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट रिव्यूइंग दिस बुक, ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा अपने नीड के हिसाब से। ऐसा होता है ना कि आप मार्केट में बुक नहीं देख पाते हो, तो मैं वही यही काम करने वाला हूँ, बहुत सारे बुक्स हैं, परचेज करूंगा, रिव्यू करूंगा और गिव अवे कर दूंगा, लेकिन बस आपको गिव अवे के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैसे करना है, चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि सब ये लाइव चेकिंग होगा गिव अवे का, आप लोगों के आंखों के सामने कि किसको रिजल्ट में किसको प्राइज मिल रहा है, ऑनलाइन एकदम लाइव होगा। 15 अगस्त को इसकी गिव अवे निकल रही है भाई साहब, ठीक है, आते हैं, आइए। तो अब दूसरा चैप्टर उठा के देख लेते हैं भाई साहब, एक चैप्टर उठाते हैं, कौन सा चैप्टर आया ये हमारे सामने खुला है, हमारे सामने खुला ये खुला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्रिटिकल पॉइंट दिए गए हैं, फाइन। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन डायरेक्टली, फॉर्मूला क्वेश्चन, फाइन, ओके, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, मतलब बनते हैं। और हायर ऑर्डर के कितने क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर के भाई साहब अच्छे खासे हैं, 64 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 120 प्लस क्वेश्चन, फाइन, दैट्स गुड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, असर्शन रीजन दिया गया है। गाइज देखिए, मैं आपको सिर्फ
इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर किताब मेरे को ढंग की लगी कि आप खत्म कर सकते हो किसी बुक को, लाइक बोलते हो ना कि खत्म नहीं कर सकते हो, इसको खत्म कर सकते हो, चार कितने 5-6 महीने में इसको खत्म किया जा सकता है इफ यू आर लाइक डेडिकेटेड इनफ। इसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चन भी दिए गए हैं तो आप हाई ऑर्डर को भी ले सकते हो ना भाई। ओके तो ये हमारा हो गया रिव्यू के लिए। ओके आप बाहरी आती है भाई, आपको ये बुक मिलेगी कैसे? अब आपको ये बुक मिलेगी कैसे? मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे सबका गिव अवे करूंगा, ठीक है? तो पहले तो ये गिव अवे पे आई है फिजिक्स वाली। ओके तो आपके लिए गिव अवे पे एकदम न्यू बुक है भाई, ठीक है? एडिशन 2018 एकदम न्यू एडिशन है इसका, यही वाला है अभी तक। ओके अब बारी आती है गिव अवे के लिए, आपको करना क्या? सबसे पहली बात, आपको वीडियो को लाइक करनी है। लाइक कर दिया वीडियो को, वीडियो को लाइक करने के बाद सिर्फ एक कमेंट करना है, ओनली वन कमेंट। अगर एक कमेंट से ज्यादा हुआ आपका, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि ये ऑनलाइन आपके सामने रैंडम कमेंट पिकर से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है। ओके और ये गिव अवे 14 अगस्त तक खुला हुआ है। 14 अगस्त तक जितने कमेंट आएंगे, 14 अगस्त रात 12 बजे तक जितने कमेंट आएंगे उन्हीं कमेंट को चेक किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। 15 अगस्त को गिव अवे होगा, और गिव अवे कहाँ पे होगा? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। जो यूट्यूब वाले हैं वो एक इंस्टाग्राम आईडी बना सकते हैं, कोई वरी की बात नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, वहां पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाके अब आप क्या करना है, @MrMedi को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फॉलो कर लीजिए। @+Edition दोनों को फॉलो करना मस्ट है। एंड इंस्टाग्राम पे वही नेम रखिएगा जो अभी आपने यूट्यूब पे रखा है, जिससे कि मेरे को खोजने में और आपको कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो, एंड आप तक गिफ्ट ये पहुंचाने में हमारे तरफ से गिफ्ट समझिए, बाय रोटेशन प्लस आपको एक गिफ्ट मिल जाए। और मैं ऐसे बहुत सारे गिव अवे लाऊंगा यार, तुम चिंता मत करो। जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा लत तो अफोर्ड कर लो, लत अफोर्ड कर लो यार, बुक हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो लाइक कर दी, सिर्फ एक कमेंट और शेयर करना है। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं गिव अवे में आपके जीतने के। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई साहब पहले डिस्क्वालीफाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको कहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और इंस्टाग्राम पे मैं 15 अगस्त को लाइव आऊंगा, लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि गिव अवे का रिजल्ट किसको मिला, और वो उस बंदे को मेरे को 12 घंटे के अंदर कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भैया दिस इज मी। ओके तो मैं आपको एक गिफ्ट दे दूंगा। उस दिन शायद रक्षाबंधन भी है, तो एक भाई का भाई को या भाई का बहन को एक गिफ्ट जाएगा। सो गाइज तब तक के लिए आप वीडियो में पार्टिसिपेट कर लीजिए गिफ्ट के लिए। मैंने आपको रिव्यू करके दिखा दिए बुक कैसी है, बुक लेना है, बुक को और देखना है, नीचे लिंक दी गई है अमेजोन की, आप उधर जाके देख सकते हो, डिस्काउंट में है ये बुक, ठीक है गाइज? तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई साहब गिव अवे के चांसेस धीरे धीरे ऐसे ही कम हो जा रहे हैं। और कमेंट सिर्फ एक ही करना है, कमेंट सिर्फ एक ही करना है। ओके गाइज तो गिव अवे में पार्ट ले लीजिए, ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है? चलते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर देना, टेलीग्राम पे फॉलो कर देना, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वहां पे तुम लोगों को, फाइन? @MrMedi ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द बेस्ट गाइज।